लोगों से एक बात पूछूंगी, है ना? बताने के लिए तैयार हो? यस मैम। ऐसे करो, ऐसे ही और सीधे रहो, ठीक? ये बताओ, ये किस रंग का कपड़ा है बेटा तुम्हारा? पीला। पीला, वेरी गुड। पीला को बच्चों इंग्लिश में येलो कहते हैं, येलो, ठीक? इसका भी येलो। वेरी गुड, देखो फटाफट सीख लिया। इसका स्कर्ट येलो, इसका शर्ट येलो, है ना? येलो वाले उसका भी टी शर्ट में ज्यादा येलो कलर है, है ना? अच्छा बच्चों ये बताओ, मेरा यह सूट किसका लगता है? हिंदी में क्या नाम है इसका? लाल। इंग्लिश में लाल को क्या कहते हैं? ग्रे। और क्लास में किसका किसका कपड़ा रेड कलर का है बता सकता है? रणवीर का है। और ये बच्ची इसका क्या नाम है? ऊपर का कपड़ा रिया, रिया ने टॉप जो है वो लाल कलर पहना है। लाल को इंग्लिश में बच्चों रेड कहते हैं। रेड टी शर्ट में आपसे कौन सा रंग बताओ? हरियर को बेटा हरा। हिंदी में क्या बोलोगे? गांव वाली भाषा में हरियर कहते हैं, लेकिन जब आपको सही से हिंदी बोलना है तो हरा बोलूंगी, ठीक? हरा को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों ग्रीन। पेड़ का पत्ती किस कलर का होता है? ग्रीन। ग्रीन, ठीक। ये आपने किस कलर की टी शर्ट शर्ट पहनी बेटा? इसका हिंदी ना बोलो? ब्लू। वेरी गुड। हिंदी में क्या बोलेंगे? नीला। हाँ नीला। नीला को इंग्लिश में ब्लू बोलते हैं। और ये आपका क्या है? ब्लैक और व्हाइट व्हाइट लिख दिया है ना? तो ब्लैक मीन्स होता है काला। काला शर्ट है तुम्हारा और कैसी लिखी है उसपे? हाँ जी, वेरी गुड। आपको पता है ठीक है इस बार। ये बेटा आपका टी शर्ट किस रंग का है? और ये आपका पैंट जो जीन्स है वो किस रंग का है? हाँ नीला को बोलेंगे ब्लू, ठीक। ये आपका क्या है? आसमानी लाइट ब्लू। ये लाइट ब्लू है, इसका बिल्कुल लाइट ब्लू है, ये सब लाइट ब्लू। आप बच्चों हम आप लोगों को वो क्या नाम से क्लास में देखो बैगन देखे तुम लोग? बैगन, बैगन का कौन सा रंग होता है आपको पता है उसका नाम? बैगनी। क्या बोलते हैं? बैगनी। बैगनी को इंग्लिश में बच्चों पर्पल कहते हैं। क्लास में भी देखो, क्लास में हर चीज में देखो पर्पल कलर है। ये देखो ये पर्पल कलर है, ठीक है? तो बेटा हम आप लोगों को आज आप लोगों के इंग्लिश की जो बुक है रेनबो क्लास थ्री है ना? तो क्लास थ्री के बुक का नाम क्या है इंग्लिश का? रेनबो। उसका जो है बच्चों लेसन वन के पहले आप लोगों को एक पोयम दी गई है, बहुत अच्छी पोयम है। और एक लड़की है उसको रंगों से बहुत प्यार है, वही ये पोयम है। इस लेसन का नाम ही है आई लव कलर्स। लव मतलब पसंद करना, प्यार करना, ठीक? लव माने होता है पसंद करना या प्यार करना। जैसे हम कहते हैं आई लव माय मम्मी, मैं अपने मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, उसी तरह ये लड़की जो है ये बहुत रंगों को बहुत प्यार करती है। लेसन का नाम है आई लव कलर, मैं रंगों को पसंद करती हूँ या मैं रंगों को प्यार करती हूँ। ये पोएम हमने सिखाने चल रही हूँ, सीखने लगेगी? चलो चलो। अच्छा बोला आई लव कलर्स। आई लव कलर्स। यस आई डू। यस आई डू। रेड एंड ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज। ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू। आई लव कलर्स। आई लव कलर्स। डार्क एंड ब्राइट। येलो एंड पर्पल। येलो एंड पर्पल। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। इसका हिंदी में अर्थ हम बता रहे हैं बच्चों, एक लड़की है वो जो है रंगों को बहुत प्यार करती है, ठीक है? वो यही बता रही है, पोयम में यही गा के बता रही है कि मैं रंगों को बहुत प्यार करती हूँ। आई लव कलर्स। यस आई डू। हाँ मैं करती हूँ ना। तो किसको? रेड एंड ऑरेंज को, लाल और नारंगी कलर को। संतरा देखे हो ना? संतरा उसका कलर क्या होता है? नारंगी या संतरी बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑरेंज। आज मुझे उसको बता रहे, सुनो एक। और उसके बाद कह रही है मुझे ग्रीन एंड ब्लू भी बहुत पसंद है, हरा और नीला। फिर बोलती है आई लव कलर, मुझे
बहुत रंगों से बहुत प्यार है या मुझे रंग बहुत पसंद है, डार्क एंड ब्राइट, गहरा और चमकीला रंग। फिर बोलती है येलो एंड पर्पल, पीला और बैगनी, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद। मतलब उसको इन आठ रंगों से बहुत प्यार है ना। चलो एक बार और आप लोग पोएम को दोहरा लो, सामने देखो, बात मत करो, इसको याद करना है। बोलो आई लव कलर्स, आई लव कलर्स, यस आई डू, यस आई डू, रेड एंड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, आई लव कलर्स, आई लव कलर्स, डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, येलो एंड पर्पल, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब काला सफेद। पहले टीवी सबके यहाँ रहती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसके बाद रंगीन टीवी हो गई है ना। तो आप लोगों की पोएम कैसी लगी? अच्छी। क्लैप, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना।